Hi all of you. Today I am going to present a great combination of oils. In this preparation, each and every oil has its own property, which is very essential for your skin. Because आप चाहे विंटर में कुछ भी यूज कर लीजिए, लेकिन आपकी स्किन वापस ड्राई होने लगती है, तो इसी के लिए ये 7 ऑयल कॉम्बिनेशन मिक्सचर आपकी स्किन के लिए एक ब्लेसिंग है। तो सबसे पहले एक कंटेनर लेना है और उसमें 1 ml जोजोबा ऑयल ऐड करना है। जोजोबा ऑयल विटामिन बी एंड विटामिन सी रिच होता है, इसलिए ये आपकी स्किन के एजिंग साइन को रिड्यूस करता है, स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ा देता है। एवोकाडो ऑयल में विटामिन ए, विटामिन सी, फोलिक एसिड और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी स्किन के काफी इश्यूज को डील करते हैं। फेनुग्रीक सीड ऑयल की आपको 0.5 ml क्वांटिटी लेनी है। फेनुग्रीक सीड ऑयल विटामिन सी रिच होता है और आपकी स्किन के कॉम्प्लेक्शन को इम्प्रूव करता है। रोजेहिप सीड ऑयल की आपको 0.5 ml क्वांटिटी ऐड करनी है। रोजेहिप सीड ऑयल एक बेस्ट ऑप्शन है अगर विंटर की वजह से आपकी स्किन ड्राई है या इची है। विटामिन ई ऑयल की आपको 1 ml क्वांटिटी रिड्यूस करने का काम करता है। देन एलमंड ऑयल आपको 5 ml ऐड करना है और एलमंड ऑयल विटामिन ई रिच होता है, जिसकी वजह से ये फाइन लाइंस और रिंकल्स की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम करता है। देन कोकोनट ऑयल की आपको 5 ml क्वांटिटी ऐड करनी है। कोकोनट ऑयल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज से फुल ऑफ होता है और आपकी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन देता है और साथ ही साथ एंटी इंफ्लामेटरी की तरह भी काम करता है। बस इसके बाद आपको इसे कंटेनर में फिल करके रख लेना है और सोने से पहले से अपने फेस में मसाज करते हुए अच्छे से अप्लाई कर लेना है। याद रखिए कि इस 7 ऑयल कॉम्बिनेशन मिक्सचर के अलग अलग इंग्रेडिएंट को किसी ना किसी स्किन केयर प्रोडक्ट में आप यूज करते ही हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता। और जब आप इन्हें कंबाइन करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार कर लेंगे तो आपकी स्किन की इस विंटर में सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। चलिए अब देखते हैं कि 7 ऑयल कॉम्बिनेशन मिक्सचर को कैसे यूज करना है, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट के लिए थैंक्स अ लॉट एंड आई नो वेरी वेल आप सब मुझे हमेशा ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।